कांग्रेस अध्यक्ष लखनलाल पटेल ने बताया कि एक तरफ जहां कोरोना की महामारी से लोगों का कामकाज और आय का जरिया बंद है, तो वहीं प्रदेश में भाजपा की सरकार होते हुए पेट्रोल डीजल घरेलू सिलेंडर घरेलू तेल और खाद्य सामग्रियों के दाम बढ़ाए गए हैं, तो कालाबाजारी की चरम सीमा पर है। इसी तारतम्य में प्रदेश की इस बढ़ती महंगाई के विरोध में जिले के प्रत्येक पेट्रोल पंपों पर जिला कांग्रेस के पदाधिकारी और कार्यकर्ता तथा प्रत्येक संगठनों और कांग्रेस के विधायकों द्वारा विरोध प्रदर्शन 11 जून को 12 बजे किया जाएगा। हम लोग 11 तारीख को 12 बजे संपूर्ण जिले में जहां जहां भी पेट्रोल पंप हैं, पेट्रोल पंपों के स्थान पर सभी कांग्रेस के माननीय विधायकगण, पूर्व प्रत्याशी, कांग्रेस के वरिष्ठ नेतागण, समस्त ब्लॉक अध्यक्ष और सम्मानीय सभी कांग्रेस के पदाधिकारीगण अपने अपने क्षेत्र के हिसाब से विधानसभा बाहर हर पेट्रोल पंप पर बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ में प्रदर्शन करने जा रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार का बस एक ही एजेंडा बचा है कि महंगाई बढ़ाना। उनका एक ही एजेंडा है कि दिन प्रतिदिन महंगाई बढ़ाते हैं और कुछ करती धरती नहीं है, तो उसके विरोध में चाहे वो डीजल हो, चाहे पेट्रोल हो, चाहे गैस के दाम हो या खाद्य तेल के दाम हो, दिन प्रतिदिन बढ़ाए जा रहे हैं। उसको रोकने के लिए केंद्र सरकार से और राज्य सरकार से